नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब। आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। कल जब किसान नेता राकेश टिकैत रो रहे थे अपने किसान भाई बंधुओं के लिए, तब तुम उसका मजाक उड़ा रहे थे। तब भारतीय जनता पार्टी की प्रचार तंत्र उसका मजाक उड़ा रहा था। गोदी मीडिया के बिके हुए एंकर्स और पत्रकार उसका मजाक उड़ा रहे थे। तुम भूल गए कि जब प्रधानमंत्री ने नोटबंदी जैसा दंश देश के चेहरे पर मुंह मारा था और जब उनसे हालात नहीं संभल रहे थे, तब वो किस तरह से रो रहे थे। याद से कई सालों पहले मुझे याद है, सांसद योगी आदित्यनाथ, उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, अपनी जान की दुहाई देते हुए संसद के अंदर रोए थे। और मैं नहीं भूला हूं क्योंकि उस वक्त संसद के अंदर मैं मौजूद था और मेरे होश उड़ गए थे कि एक सांसद इतना बेबस कैसे हो गया है कि अब वो रो रहा है, अपनी जान की गुहार लगा रहा है। वो राकेश टिकैत अपने लिए नहीं रो रहा था, वो अपने किसानों भाइयों के लिए रो रहा था। ये तुम कैसे भूल गए? सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि राकेश टिकैत की उस आवाज से किस तरह से पूरा खेल पलट गया। भारतीय जनता पार्टी और उसका बिका हुआ मीडिया, जिसने जो टारगेट किया था किसानों को, इस पूरे आंदोलन को शुरू से ही उसे बदनाम किया था, मगर उस एक लम्हे ने किस तरह से पूरे आंदोलन को पलट दिया। और आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका क्या असर हुआ है, मगर सबसे पहले राकेश टिकैत का वो ऐतिहासिक लम्हा। बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरे खेत में है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। और आप जानते हैं मुझे राकेश टिकैत की सबसे अच्छी बात क्या लगी, जब उन्होंने कहा कि अगर हम पर पुलिस डंडे चलाती है तो ठीक है, पुलिस हम पर डंडे चलाए तो चलाए, मगर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हम पर कैसे डंडे चला सकते हैं। राकेश टिकैत का यह डर था कि देर रात अगर हम वापस चले जाएंगे तो किस बात का भरोसा है, हमारी सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा है, और मेरे जो किसान भाई बंधु जाएंगे उनकी सुरक्षा को लेकर क्या भरोसा है। क्योंकि आपको याद होगा कि हिंदू सेना के कई लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तक अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों की तादाद में वहां पहुंच गए थे। आपको याद है देश के गद्दारों को वो नारे फिर लगाए गए। देखिए, देश के गद्दारों को, गोली मारो, देश के गद्दारों को, गोली मारो, पुलिस प्रशासन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानो एक बार फिर शाहीन बाग, जेएनयू, जामिया उसका इतिहास दोहराना चाहते थे। इनकी भूख दोस्तों अभी तक नहीं मिटी है। शाहीन बाग में गोली प्रकरण हुआ था, जामिया के अंदर एक जो नाबालिग शख्स है उसने गोली चलाई थी। ये लोग हमारे समाज को क्या बना देना चाहते हैं भाई। और इस लिहाज से राकेश टिकैत ने जो बात कही ना, वो बहुत मायने रखती है। उन्होंने स्थानीय विधायक की शिकायत भी की है कि आखिर वो क्यों अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे, आखिर उनका इरादा क्या था। अरे, इसी राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 में समर्थन दिया था, 2014 में समर्थन दिया था, और तुम अपने वोटर पर ही देशद्रोह का आरोप लगाने लगे, उसे ही बदनाम करने लगे। क्योंकि देखिए, लाल किले से पहले, लाल किले प्रकरण से पहले, 26 जनवरी से पहले बाकायदा राकेश टिकैत को टारगेट करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने यह तक कहा कि बेटा तू पहले बागपत तो पहुंचा, उसके बाद हम तुझे देखेंगे, या योगी जी तुम्हें देखेंगे उसके बाद। याद है वो आदमी, क्या नाम है उसका, युधिष्ठिर का उसने रोल प्ले किया था, गजेंद्र चौहान, उसने बाकायदा ट्वीट किया था और उसकी तरह अन्य कई लोगों ने भी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ हिंसा एकमात्र रास्ता है आपके पास? क्या संवाद नाम की कोई चीज नहीं सीखी आपने? संवाद को लेकर मेरी क्या राय है और मेरी क्या नसीहत, मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, मगर उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। आज बोल के लब आजाद है तेरे में दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं और मेरे रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट्स, क्योंकि इस वक्त सिंघू बॉर्डर या गाजीपुर बॉर्डर में क्या हो रहा है, किसान के हौसले कैसे हैं, वो मैं आपको बतलाऊंगा। मगर उससे पहले, मानो एक पूरी योजना के साथ पूरी जो गोदी मीडिया है वो शाम से तैयार होती है। किस तैयारी में?
कि पुलिस जो है वो जोर लगाएगी, दबाव करेगी और किसान जो हैं वो सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सब खाली करने पर मजबूर हो जाएंगे। और यही नहीं, क्योंकि जिस तरह का प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ चलाया गया था, कई लोग हताश होकर लौट भी गए थे। मगर वो लम्हा जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का मानो पूरा का पूरा खेल पलट गया। देखिए दोस्तों, किस तैयारी के साथ गोदी मीडिया उतरा था। आपकी स्क्रीन्स पर एबीपी न्यूज का कार्यक्रम, राकेश टिकैत की ड्रामा पॉलिटिक्स, यानी कि राकेश टिकैत रोए तो ड्रामा पॉलिटिक्स, प्रधानमंत्री रोए तो ऐतिहासिक। बात यहां नहीं रुकी, ये मोहतरमा आज तक में काम करती हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन की आखिरी रात, ये लगता भविष्य देख सकती हैं। इनको उसी वक्त पता चल गया था, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं से फोन आ गया था कि हमें इस तरह से कवरेज करना है, इस तरह से खबरें दिखाना है। जी हिंदुस्तान, टिकैत की आज निकलेगी हेकड़ी, बताइए ना, आपने तो ये चला दिया, अब हेकड़ी किसकी निकली? क्योंकि बाद में जिस दमथम के साथ पुलिस वहां पहुंची थी, पुलिस फिर गई राकेश टिकैत के पास और उनसे कहा, नहीं आप बैठे रहिए यहां पर, हम तो सिर्फ आपका हाल चाल पूछने आए हैं। यही नहीं, तमाम डीएम्स ने उन्हें फोन भी लगाया, नौकरशाहों ने फोन लगाया कि आपकी सेहत ठीक है तो कृपया बताने का प्रयास करें जी हिंदुस्तान कि हेकड़ी किसकी निकली है। प्रोपेगेंडा चलाते हैं बेशर्मी से। रजत जी, किसान नेता पूरी तरह से बदनाम हो चुका है, आप मेरे बॉस रह चुके हैं, मुझसे वरिष्ठ हैं, बदनाम हो चुका है, यह सवाल आपको खुद से पूछना पड़ेगा रजत जी कि आप कहां थे और कहां आ गए। ये सज्जन, इनके बारे में तो क्या कहा जाए, कल तक जो बक्कल खोल रहे थे आज आंसू बहा रहे हैं बड़े बेआबरू होकर। ये सज्जन खुद न जाने कितनी बार बेआबरू हो चुके हैं, इनकी तो बात ही ना की जाए तो बेहतर है। इसके बाद कासगंज में झूठी खबर प्रसार करने वाला पत्रकार क्या कह रहा है, आंदोलन का तंबू उखड़ गया, दंगल 5 बजे। जी हां, अपने आप में दोस्तों इन लोगों ने मानो एक किस्म की सुपारी ले रखी थी, सरकार के एक पूरे एजेंडे को ये लोग सामने चला रहे थे, जिसके चलते वो जो है टारगेट कर रहे थे किसानों को। मगर न्यूज क्लिक हमेशा आप तक पल पल की जानकारी लाता रहा, सही तस्वीर लाता रहा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे सहयोगी मुकुंद इस वक्त मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर में और वहां से उन्होंने मुझे ये रिपोर्ट भेजी है। अभी हम गाजीपुर बॉर्डर में मौजूद हैं, यहाँ पे कल शाम को पुलिस प्रशासन और आंदोलनकारी किसानों के बीच में तनावपूर्ण माहौल था। ऐसा लग रहा था जो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से आज शाम तक या आज देर रात, कल देर रात तक इस आंदोलन खारी करा लेगा, लेकिन उस बीच में जो बीजेपी के लोकल विधायक, उसका स्थानीय लोग जो आए जहाँ हुड़दंग करने की कोशिश की, उसके बाद स्थितियाँ पूरी तरह से बदल गई। राकेश टिकैत के भावुक अपील, जिसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूरे माहौल को बदला और वहाँ से बड़ी संख्या में किसान जो वापस 26 जनवरी के बाद कुछ लौट गए थे, वो और जो नहीं आए थे अब तक, वो पूरे गाड़ी और अपने ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ आंदोलन स्थल के लिए वापस मुड़ गए और अचानक ही रात में कुछ घंटों के अंदर यहाँ संख्या इतनी बढ़ी और लगातार अभी किसान आ ही रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ। और इस जगह पे अभी फिलहाल जो जगह कल संख्या हमको कम दिख रही थी, अभी पूरी यहाँ पे किसान लगातार पहुँच रहे हैं और अपनी स्थितियाँ लगातार और मजबूत करता हुआ आंदोलन बढ़ रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं जो कल आंदोलन एक कमजोर होता दिख रहा था, उस पर पुलिस प्रशासन की कार्रवाई और बीजेपी के लोकल विधायक हुड़दंग ने इस आंदोलन को और तेज और मजबूत करने का काम किया है। एक एक बालक, एक एक बालक की आंखों में पानी है। अपने जितने वेस्ट यूपी के जिले हैं ना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, शामली, बिजनौर, कितना भी, एक एक बालक राज मारा, अब चौधरी साहब के आंखों में पानी जाए से ट्रेस सही सरकार में। ये भाई हरियाणा के हैं, जिस तरह से लोकल विधायक यहाँ आए और उन्होंने वो निरोल बदमाशी करी सरकार ने, फोन कर कर कह रहे हैं अब भाई 5-7-10-20 आदमी ले आओ और हम मीडिया को बुला लेंगे और तुम अपना तिरंगा, अरे हमारे से ज्यादा तिरंगा दिखा दोगे तुम, हर ट्रैक्टर पे 20-20 तिरंगे थे, कहाँ से तिरंगा लाए हम।
है, ये तिरंगे ये राष्ट्रवादी बनकर दिखा रहे हैं, ये आठ साल से इन्होंने अपने आरएसएस से नाल होना नहीं होता है, ये बोलने से नहीं, मारा खून मांग रहे, हम किसानों के बालक, हम बॉर्डर पर लड़े, हमारे भाई पुलिस में लड़ रहे, रोज तिरंगे भी लिपटका रहे, एक बालक शहीद हो रखा रहा, ये हमारे से मांग रहे हमारे राष्ट्रवादी होने का सबूत। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पब्लिक है, चौधरी साहब की जो आंखों में सांसू निकले ना, अब जब रोने का नंबर सरकार का आया, सरकार अब रोवेगी, अब सरकार रोवेगी। कितने ट्रैक्टर चले हैं अभी ये पूरे? ट्रैक्टर कल को महापंचायत मुजफ्फरनगर में है, और मुजफ्फरनगर से महापंचायत के बाद मुजफ्फरनगर से कूच करेंगे, बाकी जिसके जो भी वाहन है आप लगातार देख रहे होंगे पिछले डेढ़ घंटे में कितनी पब्लिक बढ़ गई, हम लोग भी एक घंटे बाद पहुंचे, और लगभग 25 फोन ऐसे हैं मेरठ से हों, जब हम लोगों ने यहाँ आकर लाइव चलाया, भाई क्या हम आप पहुँच गए भाई, हम भी चल दिए, सब लोग चलते जा रहे हैं, सब लोग पहुँचते जा रहे हैं, इतनी पब्लिक यहाँ पे पहुँचेगी, और अब जब कोई भी किसान जाने का नाम का नहीं आ रहा, अब तक नुआ था कहने लगे भाई 3 दिन को हो जाऊँ, 4 दिन को हो जाऊँ, अब जब कोई किसान जाने का नाम का नहीं आया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान तो भावेगा। कल शाम को यहाँ पर जब हम पुलिस प्रशासन से हमारे लोग बात कर रहे थे, खासकर राकेश टिकैत जी, और कानूनी प्रक्रिया की बातें हो रही थी, तो उतने ही देर में देखने में आया, सुनने में आया कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा कोई विधायक अपने समर्थकों के साथ आकर किसानों को अपमानित करने की भाषा बोल रहे थे, जो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि भारतीय संस्कृति का वाहक किसान और गाँव है, और किसानों को अपमानित करने की बात, यानी आप भारतीय संस्कृति को अपमानित करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विश्वास भारतीय संस्कृति में नहीं है, और ये कौन लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में जो संविधान और कानून से बड़े हो गए हैं, जब यहाँ पुलिस है, प्रशासन है, वो बात करेगा, उनकी बात सुनी जाए कि उनकी बात सुनी जाए, तो ये कौन लोग हैं जो सर्टिफिकेट बांटते जा रहे हैं दुनिया को कि ये कि राष्ट्रभक्त हैं, ये लोग राष्ट्रभक्ति का ये सर्टिफिकेट देंगे क्या? और 3 काले कानून सरकार को वापस लेना होगा, रिपील करना होगा, और MSP के गारंटी कानून बनाना होगा। हम लोग रोहतक से आए हैं, रोहतक से हमारे साथ कम से कम 20 लोग आए हैं, और वहाँ से ट्रैक्टर भी चल चुके हैं, अभी हम लोग गाड़ी से आए तो थोड़ा पहले पहुँच गए हैं, और ट्रैक्टर भी अभी आ रहे हैं, वहाँ से 100-200 से ज़्यादा ट्रैक्टर वहाँ से ट्रैक्टर चल चुके थे 100 से 200 तक की तादाद में ज़्यादा, वो हमारे सामने ही निकले थे, हम उनको पीछे छोड़ के हम लोग गाड़ी से आए तो पहले पहुँच गए हैं। देखिए ये जिस तरह जो टिकैत साहब का एक एक आंसू इतिहास याद रखेगा, और ये इस सरकार के ताबूत में एक आखिरी कील साबित होगी, ये आप लोग यहाँ से संदेश लेकर के जाएं कि ये सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, जो एक एक आंसू आज टिकैत साहब का बहा है वो आंसू पूरा इतिहास याद रखेगा, और उसका हिसाब लेने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और हमारी किसान एकता ज्यादा अच्छे से रहेगी। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सोवित है, मैं भी रोहतक से आया हूँ। आगे का आंदोलन की रणनीति किस तरह से रहेगी? आगे हम सिर्फ शांतिपूर्वक टिकैत साहब कहेंगे वही आगे रहना चाहते हैं, हमें कोई ज्यादा इंसानी होना कोई वो नहीं, हम शांतिपूर्वक रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे दिल्ली पुलिस में या कोई वो उसमें मैक्सिमम हमारे ही घर से आ जाते हैं, हम जैसे दिल्ली में थे कल ITO पे कुछ लोग गए हुए थे, तो वहाँ पे भी हमारे ब्रदर की ड्यूटी लगी हुई थी जो मासी के लड़के हैं, तो मतलब आपस में क्या लड़ देते हैं, सब राजनीति है, जवान भी हमारे हैं और किसान भी हमारे हैं, मतलब उधर से भी वो लोग भी हमारे हैं और हम भी किसान, वो उनका फर्ज है, वो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, और हम किसान कौम में पैदा हुए हैं, तो हम अपनी भावना से जुड़ के अपना फर्ज अदा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। किसान जो है वो झुकने नहीं वाला है दोस्तों, और इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो को देखिए, शामली से बाकायदा किसानों का एक पूरा कारवा जो है वो गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जो है बढ़ रहा है। इस तरह से ढेरों मिसालों आपको दिख जाएंगी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से, तमाम जगहों से, जहां किसान एक बार फिर बड़ी तादाद में वहां पहुंच रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो मुझे ट्विटर पर मिला दोस्तों, 1.5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, मैं चाहूंगा आप ये सुने, बहुत ही ये वीडियो आपको हिला देता है जिस तरह से किसान अपनी बात रख रहा है, सुनिए इसकी बात। जब तुम्हारा नेता तुम्हारे लिए सड़कों पर लड़ रहा था, रो रहा था, तब तुम लियापों में सो रहे थे, लियापों में उसका पानी बदली कर दिया है, और तुम लोग ये पूछ रहे हो कि कितनी देर में पहुंचे, जो लड़ाई तुम्हारी इज्जत में आ गई, इज्जत पर, जो जहां है जैसे है वैसे दिल्ली गाजियाबाद के लिए निकल पड़ो अभी के अभी। आपने किसान की अस्मिता पर हमला किया है, गुनहगार इसमें बीजेपी का प्रचार तंत्र है, मोदी सरकार है, और गोदी मीडिया, उनकी तो क्या बात करें, डरे हुए ये लोग हैं।
ये डरे हुए लोग हैं, ये समाज का क्या सृजन करेंगे, ये समाज को क्या दिशा देंगे और ये सरकार को क्या कटघरे में खड़े रखेंगे। ये तो उनकी सुपारी लेकर उन बेबस किसानों को टारगेट कर रहे थे, उस राकेश टिकैत का मजाक उड़ा रहे थे। और बात यहां नहीं रुकती है, टाइम्स नाउ देखिए, टाइम्स नाउ कह रहा है कि हम एक ऐसे शख्स को नहीं दिखाना चाहते हैं जो अराजकता फैलाता है। अब ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहां पर बाकायदा टाइम्स नाउ का माइक लगा हुआ है राकेश टिकैत के सामने, तो दर्शकों को दिखाने के लिए कुछ और, जमीन पर कुछ और। देश की जनता को क्या तुम लोगों ने मूर्ख समझ रखा है? राकेश टिकैत को तुम गाली दोगे, मगर ये शख्स कपिल मिश्रा, इसको तुम भर भर के दिखाते हो। वो आदमी जिसने दिल्ली दंगों से ठीक पहले पुलिस की मौजूदगी में कहा था कि अभी तो हम जा रहे हैं मगर फिर हम लौट के आएंगे, बाद में आप भी नहीं रोक पाएंगे। और फिर आपको याद है क्या हुआ दिल्ली में? 60 से 65 लोग मारे गए थे। इस आदमी का तो नाम तक नहीं है चार्जशीट में। आज ये इस संदेश के जरिए कह रहा है कि टिकैत रो रहा है और पूरा देश हंस रहा है। अरे शर्म करो कपिल मिश्रा, बेहोश होकर तुमने अपनी जो बेइज्जती करवाई थी भूल गए उसे? और यहां बापू के सामने, राजघाट के सामने कौन रो रहा है? देखो अपनी तस्वीर, जब तुम्हें निकाल दिया गया था धक्के मार के आम आदमी पार्टी से, तुम दूसरों की रुदाली पर हंस रहे हो। और इसमें गुनहगार सिर्फ भाजपा का प्रचार तंत्र नहीं है दोस्तों, पूरा मीडिया है। हम में से कई मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं जिन्होंने घर बैठ के यह फैसला कर लिया कि कहीं ना कहीं किसान जो है वही देशद्रोही है। यह वीडियो मैंने पहले भी दिखाया था, अब फिर दिखा रहा हूं। इस वीडियो में देखिए पुलिस किस तरह से तिरंगे पर लाठी चला रही है, फिर एक अर्धसैनिक बल का जवान जो है उस तिरंगे को बेरहमी से उखाड़ देता है। इसे आप क्या कहेंगे? क्योंकि यह तो पुलिस है ना, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। कुछ इक्का दुक्का वीडियो को आप जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं पूरे किसान समुदाय को देशद्रोही बताने के लिए। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि राकेश टिकैत के उस लम्हे ने पूरी सियासत को भी बदल दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि आज संसद के अंदर राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार समूचे विपक्ष ने किया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस ने किया था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह भगवंत मान ये जो हैं संसद में जो हैं किस तरह से सेंट्रल हॉल के बाहर अपनी बात रख रहे हैं, सुनिए। किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान नेता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की दलाली बंद करो, बंद करो, बंद करो। पूंजीपतियों की गुलाम सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो ये आदमी जो हैं ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि किसान को आप देशद्रोही ना बताएं। जैसे ही मामला सामने उभर कर आया, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करके अपना समर्थन जतलाया, मगर काश राहुल गांधी पहुंचते गाजीपुर भी, क्योंकि पहले चौधरी अजीत सिंह ने, आरएलडी के चौधरी अजीत सिंह ने राकेश टिकैत से फोन पर बात की, और फोन पर बात करने के बाद इस वीडियो में आप देख सकते हैं जयंत चौधरी उनके बेटे खुद पहुंचे राकेश टिकैत के पास। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी राकेश टिकैत से फोन पर बात की। मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा तब तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी उनसे फोन पर बात कर ली होगी। हकीकत यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार तंत्र ने किसान को बदनाम कर दिया था और उसमें वो कामयाब भी हो गए थे, योगी सरकार के प्रशासन ने पूरा पानी फेर दिया उनकी हरकतों पर। जी हां, क्योंकि कल इस तरह के संदेश जो हैं वो प्रसारित किए जा रहे थे योगी जी की महानता को बखान करते हुए कि किसानों से या दंगाइयों से एकमात्र तरीका है वो है योगी का तरीका। मैं ये समझ नहीं पाता हूं योगी जी, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं,
आपका नाम अगर भय से लिया जाने लगा तो फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री? आपको एक फादर फिगर भी होना चाहिए, क्योंकि देश का जो राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो एक फादर फिगर भी होता है। उसे देखकर लोगों को अपनी उम्मीदें उसमें दिखाई देनी चाहिए, मगर आप खुद को डर के प्रतीक के तौर पर क्यों पेश कर रहे हैं? और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके वो कौन से नौकरशाह हैं जो आपकी इस छवि को पेश करना चाहते हैं? लगातार मैंने देखा नागरिकता बिल के खिलाफ लोग जो मैदान में उतरे उनके साथ जिस तरह की बर्बरता, उसके बाद हाथरस में आपका जो पूरा रवैया, और अब जिस तरह से आपके पुलिस वाले पहुंच गए, जिस तरह से फिर वो उल्टे पांव भागे थे, उसको लेकर जो प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि अब इन योगी जो है इन्हें ठिकाने लगाएगा। आखिर आप अपनी इस छवि से कैसे इत्तेफाक रख सकते हैं? और अगर आप इसके लिए जिम्मेदार नहीं तो आपको कोशिश करनी चाहिए भाई। और मैं ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के इस प्रचार तंत्र से भी पूछना चाहता हूं कि तुम किसानों की कितनी बद्दुआएं लोगे? उनके साथ कोई प्रचार तंत्र नहीं है, अपना दिमाग लगाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तिरंगे का अपमान करके किसान अपने ही आंदोलन का नुकसान करेगा? पहली बात तो लाल किले में किसी भी सूरत में तिरंगे का अपमान नहीं हुआ है। हां, निशान साहेब के ध्वज को वहां नहीं फहराया जाना चाहिए था, मगर यह कहना कि तिरंगा हटा दिया गया यह सरासर गलत है। और किसी एक इक्का दुक्का व्यक्ति ने अगर कुछ किया है तो जैसे कि मैं एक और आपको वीडियो दिखा चुका हूं कि पुलिस क्या कर रही थी, क्योंकि पुलिस तो सरकार का हिस्सा है ना। गुस्से में आक्रोश में उसी पुलिस वाले ने भी वही किया होगा, और उसी गुस्से में और आक्रोश में वो किसान था जिसे पिछले 60 दिनों से तुम बदनाम कर रहे हो, उसे आतंकवादी बता रहे हो, उसे देशद्रोही बता रहे हो। मैं मोदी सरकार से अपील करना चाहता हूं, एक जिम्मेदारी भरी अपील करना चाहता हूं कि अपनी हरकतों से बाज आइए, किसानों के साथ सकारात्मक संवाद करिए। अगर आपके दिमाग में अब भी कोई खुराफात चल रही है आंदोलन को पलटने की, उसे बदनाम करने की, तो कृपया इस बात से बाज आइए, उससे ईमानदारी से आप संवाद कीजिए। इतिहास गवाह है, आपको इस बात को समझना होगा कि ताकत का दमखम कुछ दिनों के लिए रहता है, मगर उसके बाद ताकत बिखरती है, ताकत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं जनता की ताकत के सामने। क्या यह बात तुम्हें किसी ने नहीं सिखाई? अपने इतिहास को तुम कैसे भूल सकते हो? हां, तुम्हारा एक और इतिहास है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तब तुमने देश का विरोध किया था, तब तुम भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। या फिर सबसे बड़ा आतंकवादी कृत्य, यह कहा जाए सबसे पहला आतंकवादी कृत्य भारत का, महात्मा गांधी की हत्या करके तुमने की थी। या फिर 52 साल तक तुमने अपने दफ्तरों में तिरंगा नहीं फहराया था, यह भी एक तुम्हारा इतिहास है। मगर इस देश का इतिहास और भी है, किसानों के पहले भी आंदोलन हुए हैं, आपातकाल के खिलाफ आंदोलन हुए हैं, अन्ना आंदोलन हुआ है, हालांकि उसके पीछे भी तुम्हारा दिमाग था। उस किसान को तो समर्थन भी नहीं मिल रहा है, ना विवेकानंद फाउंडेशन का, ना गोदी मीडिया का, किसी का समर्थन नहीं मिल रहा है। अगर वो देशद्रोही होता, अगर उसके पीछे कोई राजनीतिक ताकतें हुई होती हैं, विदेशी ताकतें होती, तो अब तक वो बिखर गया होता। वो अब भी खड़ा है और तुम्हें नसीहत दे रहा है, तुम्हें आईना दिखा रहा है, और उस आईने में गोदी मीडिया का, बीजेपी के प्रचार तंत्र का एक बहुत ही बदनुमा चेहरा दिखाई दे रहा है। मेरे शब्द याद रखना।